नमस्कार दोस्तों, Xiaomi लेके आने वाला अपना Mi7 जो कि रहेगा सबसे बड़ा स्टेप Xiaomi की तरफ से, जो कि रहता है ट्रूली बेजललेस फ़ोन। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको सारी डिटेल्स इस फ़ोन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन से। तो पहली इन्फॉर्मेशन आती है लॉन्च डेट को लेकर, जो कि रहती है 10 अक्टूबर 2017, जो कि है अनऑफिशियल। मेरे को तो लगता है 2018 से पहले पहले ला ही नहीं सकते फ़ोन, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं क्वेलकॉम की, जो कि रहती है स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट वाली, वो अभी तक लॉन्च हुई नहीं है। सिर्फ एक बार टेस्ट हुई है वीवो के फ़ोन में, तो ये अभी तो आएगा नहीं। फिर उसके बाद आते हैं हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि रहता है एंड्रॉयड का 7.0 नोगट। फिर उसके बाद सिम स्लॉट आते हैं इसमें सिर्फ एक। मेरे को नहीं लगता शाओमी इतनी बड़ी गलती करेगा अपने 70,000 के फ़ोन में, जो कि रहेगा इसका सबसे बड़ा स्टेप। फिर आते हैं हम इसके डिज़ाइन को लेकर। तो डिज़ाइन देखिए, तब क्लासी डिज़ाइन लगता है इस फ़ोन का, और उसमें कलर्स मिलेंगे आपको गोल्ड, ग्रे और सिल्वर। फिर डिस्प्ले में आ जाते हैं हम, तो स्क्रीन साइज़ रहेगा इसका 5.7 इंचेस, जो कि रहता है 14.48 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद आते हैं इसके स्क्रीन रिजोल्यूशन पे, जो कि रहता है 2160x3840 पिक्सल्स का। फिर उसके बाद पिक्सल डेंसिटी आती है इसकी 773 PPI, जो कि बहुत बहुत अच्छी है। फिर डिस्प्ले टाइप आ जाता है इसमें IPS LCD डिस्प्ले। फिर आइए हम इसके परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो इसकी चिपसेट रहेगी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 830, और प्रोसेसर रहता है इसका क्वाड कोर 2.4 GHz का। आर्किटेक्चर रहेगा इसके 64 बिट्स, ग्राफिक रहेंगे इसके एड्रीनो के 540, और रैम रहेगी इसकी 6 GB की। फिर स्टोरेज पे आ जाते हैं, तो इंटरनल मेमोरी रहेगी इसकी 32 GB, कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं, मतलब कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। फिर इसमें कैमरे पे आ जाते हैं, तो 21 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है आपको इसमें, ऑटो फोकस मिल जाएगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाएगा, और फ्लैश मिलेगा डुअल कलर LED फ्लैश। इमेज रिजोल्यूशन मिलेगा आपको 5288x3968 पिक्सल्स का। शूटिंग मोड मिल जाएंगे आपको कंटिन्यूस शूटिंग और HDR मोड, जो कि होता है हाई डायनेमिक रेंज मोड। और फिर उसके बाद आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 13 MP का, और वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो सकती है 1080x30fps। फिर आते हैं इसकी बैटरी पे, जो कि रहती है इसकी कैपेसिटी 3500 mAh ली पॉलीमर बैटरी, आपको रिप्लेसेबल बैटरी नहीं मिलेगी है। फिर आते हैं हम इसके मल्टीमीडिया पे, जो कि लाउड स्पीकर मिल जाएगा आपको, और 3.5 mm जैक का सपोर्ट भी मिलेगा। तो स्पेशल फीचर्स में आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर आपको स्क्रीन के अंदर मिलेगा। जहाँ तक की बात है, मेरे हिसाब से भी उसको स्क्रीन के अंदर ही देना चाहिए, लेकिन बस क्वालकॉम जल्दी से उसको लॉन्च कर दे, फिर एप्पल, सैमसंग और हमारा शाओमी सब एक बार में डालेगा। तो अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो बिल्कुल लीजिए, कोई मना ही नहीं है, सबसे अच्छा फ़ोन रहेगा अगर ये आ गया 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर। मेरा ओपिनियन तो एकदम 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 अच्छा है। तो अगर आपको ये लेना है तो जैसी लॉन्च होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा, तो आप इसमें आके ले सकते हैं। और अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियोस भी देख लीजिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि गिव अवेज आने वाले हैं। धन्यवाद देखने के लिए।